अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नो थ्रोट नो झांसा, एक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए फ्री में, क्योंकि एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल के जरिए मिलने वाला है आपको एक एक खबर सच्चा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम राधे श्याम रसिया कुन्हो मोड़ गोपालगंज बिहार से, हम एमएम टैलेंट के हार्दिक बधाई देता नहीं, साथ में महेंद्र मस्ताने के भी बधाई देता नहीं। आज अच्छा कलाकार जेकर लगे सुरीली आवाज बा, अच्छा गायकी बा, पैसा के अभाव बा, तो घबराए के नहीं है, रुआ एमएम टैलेंट के जाई, एमएम टैलेंट के ऑडिशन दी, जवना में हम जजमेंट करता नहीं, हम साथ में एमएम टैलेंट के हार्दिक शुभकामना देता नहीं। जय हिंद। नमस्कार, एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं माथेमेवली से विनती करूंगा कि आप हमेशा खुश रहिए और एक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए सदा के लिए, साथ में बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा नया नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका फायदा आप उठा सकें। दोस्तों, जैसे कि मालूम है कि एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल के जरिए चल रहा है ऑनलाइन सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो दोस्तों बहुत सारे लोग दिए हैं ऑडिशन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो कि आपका लाखों रुपया बचा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है कि आपका लाखों रुपया बचा सकता है, और यह चैनल उन व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा ही खास है जो नए कलाकार हैं या पुराने कलाकार हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल के जरिए उनको मिलेगा एक अच्छा प्लेटफॉर्म। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग दिए हैं ऑडिशन, और जितने भी भाई हमारे दिए हैं ऑडिशन, उनको 11 तारीख तक जितने जितने भाग नंबर में रिलीज हो गए हैं या फिर रिलीज होना बाकी है, तो आज का डिजिटल जमाना है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। एक दिन में वोटिंग वो कमेंट बॉक्स में करा सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना वोटिंग करा के और ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन सुरों का महासंग्राम में भाग ले सकते हैं। वोटिंग आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। दर्शन से मैं यही कहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद उन्हें कमेंट बॉक्स में उनके नाम से अवश्य दें, ताकि उनका मनोबल आगे बढ़े और सुरों का महासंग्राम करके बन सके विजेता। दोस्तों, जैसे कि मालूम है कि 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि किन किन व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया है कंपटीशन लड़ने के लिए 12 जून 2020। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 12 जून 2020 को पता चल जाएगा कि किन किन व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया है। उनका बकायदे 12 जून को स्क्रीन पे जो जो व्यक्ति हमारे सिलेक्ट हुए हैं उनका फोटो दिखाया जाएगा स्क्रीन पे। जीएम साहब का कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा आपको, और उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आपको फोन करके अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लेना है, और करना है सुरों का महासंग्राम और बनना है विजेता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, मैं एक बात आपसे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रखता हूं, क्योंकि हमारे जितने नए कलाकार या पुराने कलाकार जो भी व्यक्ति है, आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फ्रॉड लोग आ गए हैं जिन्हें वो लोग मिस यूज करते हैं और उनको गुमराह कर देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनका सही टाइम पे काम नहीं होता है, और कहीं ना कहीं वो गलती कर देते हैं। जो व्यक्ति वो अपना एक करियर एक खराब कर लेते हैं और टाइम व्यस्त करते हैं, टाइम व्यस्त करते करते अपना समय भी व्यस्त करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, एक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए एमएम टैलेंट से सदा के लिए, बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारा नया नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका फायदा आप उठा सके। दोस्तों, जैसे कि मालूम है कि आपको एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल के जरिए ऑनलाइन सिंगिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, और बहुत सारे हमारे भाई ऑडिशन दिए हैं, और बहुत सारे भाई ऑडिशन सुर सम में दिए हैं, बहुत सारे भाई हमारे बेसुरे भी हैं, लेकिन जो कंपटीशन के लिए छटे जाएंगे उन भाई से मेरा पर्सनली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हार बिल्कुल ना माने। 2019 में जिस तरीके से हमने ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन किया था, जिसमें जजमेंटी किए थे हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार के पिताजी श्री मंगरूलाल यादव और बहुत सारे महत्वपूर्ण सिंगर थे जो जजमेंटी किए थे, लेकिन इस बार भोजपुरी जगत के महान सुपरस्टार जो कि नाम के मोहताज नहीं, नहीं वो काम के मोहताज है, वो तो सिर्फ एक आप लोगों का प्यार का मोहताज है, जो कि भोजपुरी जगत के
सुपरस्टार श्री राधेश्याम रसिया जी इसमें जजमेंटी कर रहे हैं। तो दोस्तों दिखाने से पहले आपसे एक मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आपके लिए मैं इतना करता हूँ, MM टैलेंट YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन घंटी दबा दें और दोस्तों अपने यारों दोस्तों में शेयर करें ताकि वो कहीं भटके ना, कहीं गलत जगह ना जाए और MM टैलेंट का एक एक खबर उनके पास सबसे पहले पहुंचे और उसका वो फायदा उठा सके। दोस्तों और ये भी बता दूंगा कि आपको कैसा टीम आपको जरूरत है, कैसा टीम का आपको जरूरत है। टीम एक सिंगर के लिए महत्वपूर्ण चीज होता है, ईमानदारी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। अगर जो एक नए सिंगर है उनके लिए एक निस्वार्थ टीम चाहिए जो कि एक सिंगर के लिए वो निस्वार्थ काम करे, यानी कि पैसा उन्हें दीजिए लेकिन उनको पैसा से ही लालच नहीं रहना चाहिए, आपके बारे में भी उन्हें सोचना बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हमारे कितने भाई दिए हैं MM टैलेंट यूट्यूब चैनल के जरिए ऑडिशन और कितने लोग 12 जून 2020 को होंगे सिलेक्ट कंपटीशन करने के लिए और कितने लोग सूर्यों का महासंग्राम करके बनेंगे विजेता। तो आइए देखते हैं कितने लोग हमारे दिए हैं ऑडिशन। हम भी हम राजन कुशवाहा गायक सबके हम पैर छुका हम प्रणाम करता नहीं जीवन हम गाना एगो गम वाला सेट सॉन्ग गावता नहीं। अगर वो गाना अगर ठीक लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करें जा, आशीर्वाद और प्यार हमके जरूर दें जा। कि अरे कोई मिले किसी से नहीं गम रहेगा, कोई मिले किसी से नहीं गम रहेगा, दीवाना दीवाना तेरा नाम रहेगा, दीवाना दीवाना तेरा नाम रहेगा, कोई मिले किसी से नहीं गम रहेगा, कोई मिले किसी से नहीं गम रहेगा, दीवाना दीवाना तेरा नाम रहेगा। हो मैं तो किया हूँ वादा तेरा इन नजारों में, मैं तो हुआ हूँ पागल तेरा जाजी बातों से, मैं तो किया हूँ वादा तेरा इन नजारों में, मैं तो हुआ हूँ पागल तेरा जाजी बातों से, हम ना रोएंगे मेरा प्यार रोएगा, हम ना रोएंगे मेरा प्यार रोएगा, दीवाना दीवाना तेरा नाम रहेगा, दीवाना दीवाना तेरा नाम रहेगा। उड़ी के चुनरी बनी के तू सुनरी बाला का के अपना दुआरी, माई हो तनिया जोई तू आबा घावा के कोई के सवारी, माई हो तनिया जोई तू आबा घावा के कोई के सवारी, उड़ी के चुनरी बनी के तू सुनरी बाला का के अपना दुआरी, माई हो तनिया जोई तू आबा घावा के कोई के सवारी, माई हो तनिया जोई तू आबा घावा के कोई के सवारी। भल ही जे बानी नीर धनी हो सेवा में होई नहीं कमी हो, भल ही जे बानी नीर धनी हो सेवा में होई नहीं कमी हो, लागल बाया सारा बेटा के तहारा रोही रोही रोहिया निहारी, लागल बाया सारा हो बेटा के तहारा रोही रोही रोहिया निहारी, माई हो तनिया जोई तू आबा घावा के कोई के सवारी, माई हो तनिया जोई तू आबा घावा के कोई के सवारी, माई हो तनिया जोई तू आबा घावा के कोई के सवारी। नमस्कार प्रणाम, हम भैया सत्यनारायण कुमार जिला मऊ उत्तर प्रदेश की धरती से आप सभी भोजपुरिया सुनोइया लोग के तहे दिल से स्वागत बा।
भैया हो, हमार गाना यदि रउआ लोग के पसंद आई तो लाइक करब जा, कमेंट करब जा, शेयर करब जा। सोची सोची जिया हमरो, अरे सोची सोची जिया हमरो, काहे घबराता दरोगा जी हो, चार दिन से पियावा बन पाता दरोगा जी हो, चार दिन से पियावा बन पाता। सोची सोची जिया हमरो, सोची सोची जिया हमरो, काहे घबराता दरोगा जी हो, चार दिन से पियावा बन पाता दरोगा जी हो, चार दिन से पियावा बन पाता। सहरे में खोजली बजरिया बजरिया, कतही बलम जीना आवेली न, कैसे जिएंगे तेरे बिना हम, आजा सनम, कैसे जिएंगे तेरे बिना हम, आजा सनम, दिल ये मेरा रोता है तुझे बिना सोता है, आजा सनम, कैसे जिएंगे तेरे बिना हम, आजा सनम, तेरे लिए तो सारा जग ठुकराया, तूने किसी और के मेहंदी हाथ में रचाया, तेरे लिए तो सारा जग ठुकराया, तूने किसी और के मेहंदी हाथ में रचाया, प्यार तेरा झूठा है दिल ये मेरा पूछाया, तेरी कसम कैसे जिएंगे तेरे बिना हम, आजा सनम। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नो फ्रॉड नो झांसा, एक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए फ्री में, क्योंकि एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल के जरिए मिलने वाला है आपको एक एक खबर सच्चा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम राधे श्याम रसिया कुन्हो मोड़ गोपालगंज बिहार से, हम एमएम टैलेंट के हार्दिक बधाई देता नी, साथ में महेंद्र मस्ताने के भी बधाई देता नी। आज अच्छा कलाकार जेकर लगे सुरीली आवाज बा, अच्छा गायकी बा, पैसा के अभाव बा, तो घबराए के नहीं है, रुआ एमएम टैलेंट के जाई, एमएम टैलेंट के ऑडिशन दी, जवना में हम जजमेंट करता नी, हम साथ में एमएम टैलेंट के हार्दिक शुभकामना देता नी। जय हिंद। नमस्कार, एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं, मैं आपका प्यारा वीडियो डायरेक्टर महेंद्र मस्ताना माथावेली से विनती करूंगा कि आप हमेशा खुश रहिए। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल का मेन मकसद है हमारे नए गायक, फ्रेशर गायक या पुराने गायक जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल के जरिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और एक अच्छा लिंक दिया जाएगा। दोस्तों जैसे कि मालूम है कि एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल के जरिए हो रहा है ऑनलाइन सिंगिंग कॉम्पिटिशन और बहुत सारे हमारे लोग भाई दे रहे हैं ऑडिशन। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर मेरी एक विनती है कि अगर जो एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल को अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जुड़ जाए फ्री में, और साथ में ही बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि हमारा नया नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका आप फायदा उठा सके और एक अच्छा जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि एमएम टैलेंट यूट्यूब चैनल के जरिए बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंचता है,
दोस्तों इसमें बहुत सारे गायक हमारे भाई दिए हैं ऑडिशन, जो कि बहुत अच्छे गायक गायकी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम गायक रामू पटेल गावल चाहते हैं, कुछ अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना। जितना रोहता रू हम के जगावे खातिर, जितना रोहता रू हम के जगावे खातिर, कासे तन कैसा रोल होत पावे खातिर, कासे तन कैसा रोल होत पावे खातिर, प्यार कोई नी उम्र भर निभावे खातिर, प्यार कोई नी उम्र भर निभावे खातिर, कासे तन कैसा रोल होत पावे खातिर, कासे तन कैसा रोल होत पावे खातिर। अच्छा भैया, हम गायक अजय श्लोक जिला गोपालगंज बिहार से। जे भी भैया हमारे के एमएम टैलेंट के माध्यम से देखा था, सभी के प्रणाम बा। हाँ आखिया के निरखे रे काजरा, बिंदिया करे सो रहो, आखिया के निरखे रे काजरा, बिंदिया करे सो रहो, गलिया के चुमे कन बलिया, धड़केला छतिया मो रहो, गलिया के चुमे कन बलिया, धड़केला छतिया मो रहो। किसान हबे तीन रंग तिरंगा, भारत देशी वासे लीहन पंगा, कवनो आतंक नहीं आतंक करी पाई, देखे बला देखते रह जाई, झंडाई ऊंचा फहराई, कितना जवानी अपन जनवा गवैले, कपन के बांध सर पर इज्जत बचेले, इज्जत बचेले, इतना लवीर जन्म देले बारी माई, देखे वाला देखते रह जाईब, झंडा ऊंचा फहराईब। नेता सुभाष चंद्र बोस बापू गांधी, इहे त दिएले देश के यार, मोहब्बत के नशा दिल में गजब बीमारी है, मोहब्बत के नशा दिल में गजब बीमारी है, बढ़े रफ्तार में धड़कन, बढ़े रफ्तार में धड़कन, कैसन खुमारी है, मोहब्बत के नशा दिल में गजब बीमारी है। हेलो, हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, आप हमारे अपने हैं और हमारा प्रणाम आपको, आशीर्वाद बहुत सारा खुशियाँ दीजिए, और भगवान से कामना करता हूँ आपके लिए कि हर दिन आपका शुभ हो, और हमारे तरफ से धन्यवाद। भोला बाबा बम भोला बाबा, खाल्या न भांग के गोला बाबा, भोला बाबा बम भोला बाबा, खाल्या न भांग के गोला बाबा, कहे रूठल बड़ा अख खोला हो, मुख से कुछ हूँ बोला हो, कहे रूठल बड़ा अख खोला हो, मुख से कुछ हूँ बोला हो, भोला बाबा बम भोला बाबा, खाल्या न भांग के गोला बाबा, भोला बाबा बम भोला बाबा, खाल्या न भांग के गोला बाबा, दिल सबका के मोहर अटारी बाबा, उनके रहेला भिखारी बाबा, दिल सबका के मोहर अटारी बाबा, उनके रहेला भिखारी बाबा, भोला बाबा बम भोला बाबा, खाल्या न भांग के गोला बाबा, भोला बाबा बम भोला बाबा, खाल्या न भांग के गोला बाबा।
देखे पिंटू राजेश गोहरावा तेरे मान जाई बाबा मनावा तेरे तमाई डोली चढ़ी चलली सेवके घरवा वही डोलिया के बाघवा कहाँ दुनिया में सोर भइल बा तो वही डोलिया के बाघवा कहाँ दुनिया में सोर भइल बा तमाई डोली चढ़ी चलली सेवके घरवा तमाई डोली चढ़ी चलली सेवके घरवा ओही रे डोलिया के ललका उहरावा ओकरा चमक से भइल उजियारावा भइल उजियारावा तमाई डोली चढ़ी चलली सेवके प्रणाम भैया, हम भोजपुरी गायक नंद किशोर निरहुआ अलाहाबाद जिला कौशाम्बी से, और वह लोग हमार गीत सुनी शेयर कमेंट्स जरूर करी। मेहनत कई के कितना रुपया कमाईबा आचरा के सुख बबुआ कतही न पाईबा मेहनत कई के कितना रुपया कमाईबा आचरा के सुख बबुआ कतही न पाईबा सपना न होई कभो पूरा ए बबुआ माई बिन जिनगी अधूरा ए बबुआ माई बिन जिनगी अधूरा हो ममता के आंचल में तोहरा के पलानी तेल गरमाई तोहरा देहिया के मलानी हो ममता के आंचल में तोहरा के पलानी तेल गरमाई तोहरा देहिया के मलानी अपने न खाईली तोहके खियाईली अपने न खाईली तोहके खियाईली सोचली न कभो तोहरा बुरा ए बबुआ माई बिन जिनगी अधूरा हे बबुआ माई बिन जिनगी अधूरा अखिया लल बाजब से दिल में करार नहीं के अखिया लल बाजब से दिल में करार नहीं के हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं के हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं के अखिया लड़ल बाजब से दिल में करार नहीं।
मैं शबनम कुमारी एक लता जी का गीत पेश कर रही हूँ। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी हो। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो। अब तो है तुम पे हर खुशी अपनी, तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए। देखो कहाँ ले जाए बेखुदी अपनी हो। अब तो है तुम पे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।